हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेक सिटी उदयपुर में आज आने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक बनाने के उद्देश्य से हो रही मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक में नगर निगम के पार्षदों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल उदयपुर के एमपीयूटी विश्वविद्यालय के सभागार में आज डीजीपी ओपी गल्होत्रा और मुख्य सचिव डीपी गुप्ता संभाग भर के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान आचार संहिता की वजह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे उदयपुर के पार्षद महापौर चंद्र सिंह कोठारी के नेतृत्व में डीबी गुप्ता से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी में तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल महापौर चंद्र सिंह कोठारी आचार संहिता के चलते दीपावली मेले में पार्षदों के प्रवेश को लेकर अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी बात को लेकर महापौर सभी पार्षदों को लेकर बैठक स्थल के बाहर पहुंच गए। इस दौरान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने महापौर को इस बात को लेकर टोक दिया और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से मिलने के लिए 5 सदस्य दल को अंदर जाने की बात कही। इसके अलावा एसपी राष्ट्रदीप ने वहां मौजूद अन्य पार्षदों को बैठक स्थल के पास से बाहर जाने के लिए बोल दिया, जिस पर नगर निगम के महापौर संहिता वहां मौजूद करीब 30 पार्षद जोरदार आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पार्षद राकेश पोरवाल को प्रताप नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।